कंपैरिजन ऑपरेटर के टॉपिक को। अच्छा, अभी एक दोस्त ने मुझे बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले कहा था कि डिक्शनरी अगर स्ट्रिंग लगा दें इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में तो उसको वो क्या करता है, उसको वो ये करता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में चेक करता है। तो डिक्शनरी ऑर्डर कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ गूगल क्रोम पे गया मैं और मैंने जाके क्या लिखा, स्क्रीन शेयर नहीं है, कर देता हूँ। ASCII चार्ट लिखा मैंने और ये जब मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जो गिनती है हमारे पास, ये है ना गिनती, वन से लेके ज़ीरो से लेके नाइन तक, तो 30 से शुरू है, 31, 32, 33, 34 ऐसे है, सही है। तो अगर मैं एक तरफ 5 लिखता हूँ तो इसका मतलब है 35, एक तरफ 7 लिखता हूँ तो इसका मतलब है 37, तो 5 छोटा हुआ, 37 बड़ा है ज़ाहिर है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आ जाता है, वो ट्रू आ जाता है। लेकिन अगर मैं एक तरफ लिख देता हूँ 10, तो 10 तो 9 से भी बड़ा है ना, इस पे ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर की जब बात करते हैं हम तो 10 पहले आता है 5 बाद में आता है डिक्शनरी ऑर्डर में। अब ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम आके ना पहले ये देखते हैं कि डिक्शनरी में हम चीज़ों को कैसे लिखते हैं आमतौर पर। तो जैसे मेरे पास 3 वर्ड्स हैं, सही है, कैट, CAT, कैट। अब उसके बाद अगला वर्ड आया कोट, तो क्या कोट पहले आना चाहिए या कैट पहले आना चाहिए, हम ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं। हमने देखा पहला कैरेक्टर वो तो सेम है, दूसरा कैरेक्टर कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो ए पहले ओ बाद में, तो कैट पहले होगा कोट बाद में होगा। फिर एक और कैरेक्टर आया कट, अब ये इन दोनों से पहले होना चाहिए या इनके बीच में होना चाहिए या आखिर में होना चाहिए, कैसे देखूंगा मैं वो सी वो तो सेम है तीनों में, ठीक है। फिर अगला कैरेक्टर इसमें ओ है इसमें, तो मैंने कहा ओ सबसे बाद, ओ ए सबसे पहले आता है, ओ बाद में आता है, फिर यू सबसे बाद में आता है, तो ये इसका मतलब है ये वर्ड यहीं पर ये डिसाइड हो गया, तीसरे कैरेक्टर को नहीं देखा मैंने, यहीं पर ये डिसाइड हो गया कि ये कैरेक्टर सबसे लास्ट में, ठीक है। जस्ट इन केस मैं तीसरा कैरेक्टर भी देख लेता हूँ, लेकिन तीसरा कैरेक्टर मैं जब देखूंगा जब सेकंड वाला कैरेक्टर सेम हो जाएगा दोनों में, सही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर सी यू बी आ जाएगा, कब कब एक जानवर को कहते हैं गालवर, तो अब सी यू बी में ना पहला भी सेम हो गया कैरेक्टर, दूसरा भी सेम हो गया, तो अब मैं तीसरे को देखूंगा कि तीसरा कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में। तो अब मुझे बताओ कि इसको मैं कब पहले आएगा, तो मैं कट करूँगा यहाँ कब पहले आएगा, क्योंकि बी जो है ना तीसरा कैरेक्टर वो पहले आता है, क्योंकि शुरू के दोनों तो सेम है, लास्ट वाला बाद में आता है। अब यही चीज़ हम गिनती में कर लेते हैं, गिनती शुरू हुई 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल सही चल रहा है, सही है। अब मिसाल के तौर पे कहीं पे आगे वर्ड आ गया 3030, अब यहाँ पे एक 3030 वर्ड आया, तो अब क्या 5 से ये पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, 3030 है ना, तो पहला कैरेक्टर देखूंगा मैं, तो 5 से तो पहले होना चाहिए, कितना पहले, 3 के बाद होना चाहिए, कट किया मैंने, 3 के बाद होना चाहिए। डिक्शनरी ऑर्डर में 30 पहले आता है, 4 बाद में आता है, अगर सिर्फ 4 लिखा हुआ है वो बाद में आएगा, 30 पहले आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू में तो वो बड़ा है लेकिन 30 पहले आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 10 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, तो आप मुझे बताओ कि 10 क्या 30 से पहले होना चाहिए, 30 से पहले होना चाहिए, बिल्कुल, कितना पहले, 10 यहाँ होना चाहिए। तो अब एक तरफ मैं लिखता हूँ 5, एक तरफ मैं लिखता हूँ 10, तो 10 तो छोटा है ना, 10 पहले आ रहा है, 5 बाद में आ रहा है, 5 तो यहाँ आ रहा है, 10 आ रहा है पहले, सही है। तो हमारे इस केस में 10 पहले आ रहा है डिक्शनरी ऑर्डर में, 5 बाद में आ रहा है, तो 5 बड़ा है, 10 छोटा है, डिक्शनरी ऑर्डर की बात होगी, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग हटा दूंगा तो फिर तो वो न्यूमेरिक वैल्यू चेक करेगा, तो इस वजह से ये क्या है, फॉल्स है।
ठीक है, एक बार को हम इसको चला के भी देख, आप सबने चला के देख लिया होगा वैसे तो, कॉपी पाथ, और ये ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, रिफ्रेश किया मैंने, फॉल्स है, हाँ कैट और डॉग में, कैट पहले है ना डॉग बाद में, तो इसका क्या याद रिजल्ट, कैट पहले है क्योंकि सी छोटा है डी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू, ट्रू आना चाहिए, ट्रू ही आ रहा था, कुछ और आ रहा था, चला के देख लेते हैं दोबारा से, रिफ्रेश किया मैंने, ट्रू आ रहा है, सही है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में पहला कैरेक्टर ही मैं बता देता है, अगर पहला कैरेक्टर सेम हो जाएगा, अगर ये कर देता हूँ मैं सी ए टी कैट और सी ओ जी सॉग, कॉक, कॉक कहते हैं इसको, कॉग्निटिव जो होता है, तो अब कौन सा वाला है, कैट पहले आएगा या कॉक पहले आएगा, कैट अभी भी छोटा है क्योंकि कैट डिक्शनरी ऑर्डर में पहले है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स करके देखी और हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को अच्छे से समझा, लेकिन हमने ये बात इस पूरे टाइम पे आप ये बात नोट कर रहे होंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर को कुछ भी दो ना, रिटर्न वो भूलिया नहीं करेगा, उस वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, कुछ करेगा, कुछ छेड़छाड़ करेगा, लेकिन आखिर में इवैल्यूएट क्या करेगा, बूलियन, ठीक है, समझ आ गया ना ये, अच्छा सॉरी वन इक्वल इक्वालिटी ऑपरेटर, इन्होंने पूछा है सवाल कि एक इक्वल होता है तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो तीन इक्वल वाला ऑपरेटर हमने ऊपर पढ़ा था इसको हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है, और जो नॉट के साथ है ये वाला जो है ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है, अच्छा इसमें जो तीन इक्वल वाला है और एक दो इक्वल वाला है, जो तीन वाला है ना उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, और ये वाला जो है वो जस्ट इक्वालिटी है, अच्छा जो चीज़ हमने लेस देन में पढ़ी है ग्रेटर देन में भी एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं सारी, लेकिन अपोजिट होगी उसके ज़ाहिर, तो ग्रेटर देन अलग से पढ़ने की ज़रूरत तो शायद हमें नहीं है, अब अगला हम देखते हैं ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ये बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये ना सिर्फ ये चेक करेगा कि दो नंबर इक्वल हैं, अच्छा 5 5, तो इस केस में तो ये फॉल्स है ना, क्योंकि 5 छोटा नहीं है 5 से, 5 तो 5 के छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ये 5.1 होगा ना तो फिर ये छोटा होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके साथ एक लगा देता हूँ इक्वल्स, तो ये एक और ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें चेक करेगा कि 5 आया कि अगर लेस है या इक्वल है, दोनों में से कोई एक भी बात हो जाएगी नहीं ट्रू दे देगा, तो इस केस में क्या देना चाहिए इसको, ट्रू देना चाहिए, ठीक है, 5 जो है वो यानी पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के या इक्वल हो या लेस हो, अच्छा इसी तरह क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, सही है, ये क्या चेक करेगा कि 5 से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, तो ये भी फिलहाल ट्रू देगा, तो हमने इक्वालिटी और लेस देन ग्रेटर देन वो दोनों अलग से पढ़ा हुआ था, ये अब तीसरा दोनों को मिक्स करके लगा दिया, ठीक है, तो ये भी मेरा ख्याल है इतनी एग्जांपल काफ़ी है इसके लिए भी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है, अब ज़रा एक दफ़ा गूगल पे जाके हम ना कंपैरिजन ऑपरेटर लिख लेते हैं ताकि ऑनलाइन भी कोई डॉक्यूमेंट हो ना ऐसा जिसको आप कल को देख सकें, सही है, W3 स्कूल पे कंपैरिजन ऑपरेटर की ये पूरी लिस्ट आ गई विथ एग्जांपल, इसमें इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही है, या ये कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे ये पूरे हैं, साथ में ट्राई इट योर सेल्फ का बटन भी है जिसको प्रेस करके आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर आप, अच्छा उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, राइट,
ये लॉजिकल ऑपरेटर अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर हम क्या करेंगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं अपने कोड में, कोड कहाँ गुम कर दिया मैंने, हीरा कोड। अच्छा तो हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर सारे पढ़ लिए, अब इफ एल्स के अंदर ना ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई होंगे, जाहिर है इफ एल्स इसके बगैर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, छोटा है बड़ा है इक्वल है यही कर रहे होंगे। किसी बंदे से आपने इनपुट लिया, ठीक है, आप क्विज का ऐप बना रहे हैं, कोई आपने क्विज का नाम पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, तो अब वो एक इनपुट देगा नंबर, उस इनपुट को आप इक्वल इक्वल लगा के इफ से चेक करेंगे कि क्या ये फला शहर, जो भी मुझे नहीं पता कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है, मिसाल के तौर पर वीनस एक सिटी है, वीनस दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है, इमेजिन कर लेते हैं, वैसे तो कुछ और ही होगा। तो बंदे ने क्या एग्जैक्टली वीनस लिखा है, ठीक है, अगर ये वीनस लिखा है तो उसको बोलो कभी करेक्ट आंसर, अगर कुछ और लिखा है वीनस के एल्स में उसको बोलो इनकरेक्ट आंसर। तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन हो रही होगी हमेशा। तो हम इफ एल्स तो हमने पढ़ लिया था, अब इसी का एक वेरिएशन है टर्नरी ऑपरेटर, ये जरा हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है, व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है जी। तो इसके लिए मेरा ख्याल है हम एक नई फाइल बना लेते हैं, बल्कि कंडीशन चेकिंग वाले पे ही इसका कोड लिख लेते हैं, जो कंडीशन चेकिंग का हमने पहले से बनाया हुआ है ना, ये नहीं चलो अलग से ही बना लेते हैं। अच्छा जी, तो मैंने हेडिंग पे लगा दिया कि कंडीशन चेकिंग विद टर्नरी ऑपरेटर। पहले हम इफ एल्स पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इफ एल्स पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था इफ एल्स। एक मेरा पॉस होता था लेट यूजर इनपुट इक्वल समथिंग, कोई वैल्यू होती थी, मैं क्या बोलता था, अगर यूज़र इनपुट जो है वो लेस देन है 25 से, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा दो। मिसाल के तौर पे यूज़र इनपुट जो है मैं क्या ले रहा हूँ, मैं यूज़र से बोलता हूँ एंटर योर रूम टेम्परेचर, राइट। मैंने कहा कि आप जिस रूम में बैठे हो उसका टेम्परेचर आप एंटर कर दो क्या है, और मैंने कहा है कि यूज़र इनपुट अगर 25 से कम है तो कंसोल पे उसको जवाब क्या दो, उसको बोलो भाई प्लीज़ टर्न ऑफ एसी, ठीक है। हमारे जिस एरिया में, जिस इलाके में हम रहते हैं पाकिस्तान के इस हिस्से में, यहाँ पे 25 डिग्री क्या समझा जाता है, सर्दी, सही है 25 डिग्री यहाँ पे सर्दी होती है। तो वैसे आप लोगों को सर्दियाँ पसंद है गर्मियाँ पसंद है, सर्दी अच्छा गोरों को ना गर्मी पसंद होती है असल में हमारे अक्सर ही गर्मी होती है, पसीने छूट रहे होते हैं, तो अक्सर मीटिंग वगैरह के दौरान ना उसको होता है ना बड़ी गर्मी है यार, कहते हैं यार वो इट्स समर, वाओ वाओ इट्स समर। तो एक दफ़ा एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था, लिबनान से उसका ताल्लुक है, तो मैं उससे ये बात निकल गई, मैंने कहा और भाई क्या चल रहा है उधर, मौसम कैसा है, उसने कहा इट्स समर, आई लाइक समर। मैं अक्सर ये सोचता था कि यार क्यों इनको समर पसंद होता है, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा व्हाई यू लाइक समर, तो उसने कहा समर में जो है ना वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने पड़ते, जैकेट्स वैकेट्स के ये मतलब वो नहीं, टेंशन नहीं रहती, फिर ट्रैवल में आसानी होती है, ठीक है, ठंड में ना ट्रैवल में ठंड लगती है,
दो चार उसने फजाइल गिनवाए इस तरह, उसने कहा समर के फूड बड़े अच्छे होते हैं, समर में फूड होते हैं। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या टेम्परेचर होगा अभी गर्मी का? कह रही अभी तो कितना नहीं है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा गर्मी पसंद है ना, मतलब 23 तक हो तो मुझे बड़ा पसंद आता है। मैंने कहा 23 गर्मी होती है? अरे हमारे यहाँ 23 है तो हमें भी पसंद आएगा, लेकिन हमारी गर्मी होती है 40। उसने कहा ओह 40 इज टू हॉट। उस दिन मुझे समझ में आया कि गोरों को गर्मी क्यों पसंद है, क्योंकि उनकी गर्मी क्या होती है 23 से अगर 22 भी है ना तो वो फिर क्या कहते हैं, वो गर्मी नहीं है। वेल क्यों वैंकूवर वगैरह के कनाडा का अगर आप वेदर चेक करें, हर वक्त -10 -5 आ रहा होता है। अभी भी अगर मैं ये चेक करूँगा ना यहाँ पे वैंकूवर का, मेरा सिर ही पता नहीं काम ही नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ लिखते हैं -18 degrees आ रहा है, गर्मियाँ हुई भी है वहाँ पे भी अभी अभी 18 degrees शो कर रहा है वहाँ पे। वैंकूवर की स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने? हाँ सही लिखी है। अभी इस टाइम पे 18 है, अब सोचो सख्त जब सर्दी होती है फिर क्या करते होंगे। हमारे यहाँ भी डे टेम्परेचर हमारा क्या जा रहा है अभी आजकल 28 अभी हमारे पास राइट नाउ यहाँ पर है 28, वहाँ पे 18 है। और अभी वहाँ पे इस वक्त ना दोपहर के गलबन, दोपहर के नहीं अर्ली मॉर्निंग है, सुबह 8 बज रहे हैं, 8 या 9 बज रहे होंगे क्योंकि 12 घंटे का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, तो हमारे पास 7 बज रहे हैं ना। हाँ वहाँ पे भी सुबह 7 या 8 इस तरह कुछ बज रहे होंगे। तो सुबह 7 बजे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि धूप फौरन निकली हुई होती है, तो शाम होगी तो थोड़ा कम ही हो जाएगा। वेल तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे थे कि भाई मैंने यूज़र से बोला कि आप क्या एंटर करो अपने रूम का टेम्परेचर, तो हमारे रूम का टेम्परेचर इस वक्त क्या होगा 23 लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है 23 है। वाह यार समर है मतलब यहाँ अच्छा तो 23 है तो अच्छा ये एसी चलाने पे 23 है, बंद करके तो ये बंद करेंगे तो कहाँ जाएगा ये, 33 तक चला जाएगा मेरा ख्याल। 10 डिग्री कम किया हुआ यार एसी ने, क्या बात है लेवल है ये। बाय द वे अगर ये 23 है तो मैं फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, बंद कर दूँ उसका एसी का ना फ्लैप सीधा कर दो थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ। यार कितनी खामोशी हो गई है ना। हाँ तो 23 है तो मैं फ़ैन की ज़रूरत नहीं है फिर तो। हाँ सही है वो, सही है वो तो वैसे भी ख़राब है, कर रहा है ठंड कर रहा है वो, देखो हाथ लगाओ। अच्छा बड़ी बात है, दोनों एसी चल रहे हैं जब ही तो। वेल तो हमने कहा कि यार देखो हमने क्या डिसीजन लिया यहाँ पे, हमने डिसीजन लिया कि यार अगर 23 है तो हमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एसी पे हमारा गुजारा हो जाएगा ठीक है, और थोड़ी हमें माइंड का पीस भी मिल जाएगा, खामोशी हो जाएगी थोड़ी सी हमारे पास। तो हम भी यहाँ पे क्या ले रहे हैं डिसीजन ले रहे हैं, हमने कहा यूज़र का टेम्परेचर अगर 23 है ठीक है, रूम टेम्परेचर नहीं मैंने कहा आउटसाइड लिखो, क्योंकि रूम में तो एसी चल रहा है तो 23 है ना। आउटसाइड का क्या है, हमारे पास आउटसाइड इस वक्त है 28, तो मैंने लिखा आउटसाइड टेम्परेचर 28 है। मेरा एक ऐप बन रही है मेरी जिसमें मैंने 28 लिखा आउटसाइड वेदर। अच्छा अब मैंने चेक किया कि अगर यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो लेस देन हो 25 के तो क्या प्रिंट कर दो, प्लीज़ टर्न ऑफ एसी, आपको एसी की ज़रूरत नहीं है ठीक है, यू डोंट नीड एसी। अच्छा एक सिंपल सी कंडीशन मैंने लगाई यहाँ पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं ज़्यादातर बाइक पर ट्रैवल करता हूँ, मुझे पसंद है, आपको पता है ट्रैफिक इतनी है बाइक में तो फिर भी बंदा निकल जाता है, गाड़ी में तो फंस जाता है बंदा। तो अगर मैं बाइक पर ट्रैवल कर रहा हूँ 25 डिग्री अगर है एग्जैक्टली 25 डिग्री तो वहाँ तक मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं है ठीक है, मैं बगैर जैकेट के भी चला लेता हूँ। लेकिन 25 से अगर 24 भी हो गया तो बगैर जैकेट के बाइक में नहीं चला सकता, ठंड लगती है, अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अच्छा और अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं वैसे ही वॉक कर रहा हूँ कहीं घूम फिर रहा हूँ, तो अगर टेम्परेचर जो है ना 18 तक है, ये मैंने फिगर आउट किया हुआ है,
वो बता रहा हूँ मैं, हो सकता है कि आपका भी सेम हो, सकता है आपका अलग हो। तो मैंने ये फिगर आउट किया था कि 18 डिग्री अगर है ना एग्जैक्टली और मैं वॉक कर रहा हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन 18 से कम अगर है, मैं बैठा हुआ हूँ या वॉक कर रहा हूँ या कहीं चल रहा हूँ या चाय पे बैठा हुआ हूँ कहीं, 18 से अगर 1 डिग्री भी कम है तो मुझे बैठे हुए भी जैकेट चाहिए फिर। ये मैंने फिगर आउट किया था, ठीक है। तो मैंने एक अपने लिए एक ऐप बना ली, अपने लिए मैंने एक ऐप बना ली। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं टेम्परेचर एंटर करता हूँ। वैसे तो इसके लिए ऐप की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं जस्ट टेम्परेचर देखूँ, अच्छा 18 है या 18 होने वाला है, तो मैंने कहा यार मुझे जैकेट लेके निकलना होगा, बगैर जैकेट के मैं नहीं निकल सकता, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस एक मैंने ऐप बना ली। ऐप इसी तरह बनती है सॉफ्टवेयर, जो डेली लाइफ में आप जो चीज़ें कर रहे होते हैं उसको आसान बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप क्या हो जाते हैं, आप सुपर ह्यूमन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं जो आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने ये हेडफोन मैंने लगाया हुआ था कान में और जेब में मैंने गूगल मैप ऑन किया हुआ था। अब मैं जहाँ से भी गुजरूँ तो गूगल मैप मुझे बोले कि इन 300 मीटर टर्न लेफ्ट टू फला फला रोड। तो अब मैं क्या हो गया इससे, मैं बाकी लोगों से स्टैंड आउट हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर का बेनिफिट क्या होता है, सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये होता है क्योंकि ज़ाहिर है वो एक कलेक्टिवली सब लोगों से डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो किस जगह पे एग्जैक्टली कितना ट्रैफिक अभी मौजूद है वो गूगल को पता है, मुझे नहीं पता वो, ठीक है। तो गूगल का सॉफ्टवेयर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, मैं सुपर ह्यूमन हो गया एज कम्पेयर टू जो सराउंडिंग में मेरे पीपल मौजूद हैं जो वो ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, एक फिक्स आपका रोड होता है, आप वहाँ से जाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन कभी अगर सारे रोड लोग ज़्यादा निकल गए रोड पर तो कौन सा रोड खाली है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गूगल को पता है। तो गूगल मुझे उसी रास्ते से लेके जाएगा जहाँ इस वक्त ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि आपकी जेब में फ़ोन है, इंटरनेट से कनेक्ट है, व्हाट्सएप का भी पैकेज किया हुआ है आपने, तो गूगल को पता चल रहा है कि आप कहाँ पर हैं और आप क्या कर रहे हैं और कौन सी गाड़ी में बैठे हैं आप, ठीक है। गूगल का जो मैप है, ये जो डेटा भेजता है लोकेशन का, इसके ज़रिए ये बताया जा सकता है कि आप कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, कितने जम खड्डे हैं जिस रोड पर आप जा रहे हैं, ठीक है। उसी रोड से कोई दूसरा बंदा गुजरा है, उस वो कितना मूव हुआ है और आप कितने मूव हो रहे हैं, तो वो ईजिली डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि ये बाइक का राइडर है या कार का राइडर है, कार पे जा रहा है, ईजिली डिस्टिंग्विश हो जाएगा उसी रोड से, क्योंकि आप भी गुजर रहे हैं दूसरे लोग भी गुजर रहे हैं। फिर कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे कोई बंदे आएंगे वो गली में दाखिल हो जाएंगे, कोई बंदे नहीं दाखिल होंगे, तो उससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि आपकी गाड़ी का साइज़ कितना है, कि इस गली का जो साइज़ है वो तो फिक्स है ना, वो तो नहीं चेंज हो रहा, वो तो सैटेलाइट से देखा जा सकता है। तो आपकी गाड़ी का साइज़ क्या, बड़ी कार है आपकी या छोटी कार है, वो भी डिस्टिंग्विश। तो ईच एंड एवरीथिंग वो गूगल को पता है। और गूगल की बस क्योंकि पता नहीं कितने सालों से ये ऐप चला रहे हैं, मैं तो जब से मैंने आँख खोली है गूगल मैप देखा है मैंने, जब से पहली दफ़ा मेरे पास फ़ोन आया स्मार्टफोन, तो गूगल मैप उसमें था, इतना एडवांस नहीं था लेकिन था, ठीक है। तो इतने सालों से डेटा इकट्ठा कर रहा है ये, तो गूगल को एग्जैक्टली पता है, क्योंकि मैं तो अभी निकल रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पर अभी क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, अभी 8 बजने में कुछ 4-5 मिनट बाकी हैं, तो मैं यहाँ से अभी निकलूँगा 8 बजे और मुझे घर पहुँचना है, तो मुझे कौन सा रोड खाली मिलेगा ये तो फ्यूचर है ना, ये तो किसी को भी नहीं पता, तो गूगल को कैसे पता चल रहा है। एक तो गूगल को ये पता है कि वहाँ जो पहले से लोग हैं कौन कहाँ पर है, कितनी देर में वो क्रॉस करेगा इस रोड से। दूसरा, गूगल के पास जो पीछे का डेटा है ना, कि पिछले वीक इसी दिन इसी वक्त वहाँ पर कितनी ट्रैफिक थी और उससे पिछले वीक, और पूरा जो ट्रेंड है, एक डेटा का एक ट्रेंड बना हुआ है ना, पिछले 10 सालों से इस रोड पे कितनी ट्रैफिक होती है आम तौर पे। अगर मिसाल के तौर पे आज 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त पे, पिछले 14 अगस्त पे कहाँ कहाँ पे कितना ट्रैफिक था, गूगल के पास डेटा है इसका, ठीक है। तो क्या होता है कि गूगल आपको एग्जैक्टली बता देता है कि फलां रोड पे आप जब पहुँचोगे ना, वहाँ 8:30 पे आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ ट्रैफिक होगा, उधर नहीं जाना, अभी खाली है वो। आप फ़ोन करोगे ना, बंदा सामने जो होगा वो कहेगा यार ये तो 5 स्टार पे कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन गूगल आपको बोलेगा वहाँ से नहीं जाना, गूगल आपको दूसरे रास्ते से लेके जाएगा, क्योंकि गूगल प्रेडिक्ट कर रहा है कि वहाँ 8:30 पर ट्रैफिक हो जाएगी, कभी नहीं भी होती लेकिन हो जाएगी, गूगल प्रेडिक्ट कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है डेटा। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, चलो खैर ये लंबी हो जाएगी बात, हमारे पास टाइम कम है, ज़रा टॉपिक जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा इफ एल्स है, ठीक है। अच्छा, इफ एल्स के अंदर जी ये यूजर इनपुट करता है डेटा, वो हमारे पास क्यों नहीं पहुंच रहा, तुम्हारे पास कहाँ नहीं पहुंच रहा, हमारे पास आता नहीं है, जैसे जो बैकएंड पे आती हैं चीज़ें, बैकएंड तो सीखा ही नहीं है ना हमने अभी तक, उसके लिए कोई और फाइल बनानी पड़ती है। देखो अभी जो हमने वेबसाइट अभी तक जो बनाई है ना हमने, उसमें हम सिर्फ यूज़र इनपुट लेते हैं
वहीं पे प्रोसेस करके उसको रिजल्ट दिखा देते हैं, डेटाबेस में सेव नहीं करते। अभी तक हमने डेटाबेस नहीं देखा कि कैसा होता है, ठीक है। हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह डेटाबेस देखेंगे कि जब एक बंदा आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, वहाँ पे कुछ लिखेगा, सबमिट का बटन दबाएगा, तो वो डेटा पूरा उठ के आपके क्लाउड के डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। फिर आप वो देख पाएंगे कि अच्छा ये यूज़र ने बोला है, ठीक है। फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में, सब जगह ऐसे ही हो रहा है कि आप कुछ लिख के सबमिट करते हैं तो वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है, उनके, आपके नहीं, उनके, ठीक है। आप उसके डेटाबेस को नहीं देख सकते, बस जो आपको वो दिखाते हैं वो आप देख सकते हैं। तो हमने अभी तक वो देखा नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे हम बहुत जल्द। अच्छा, तो ये जो इफ़ की मैंने बात की है ना, इसी इफ़ को लगाने का एक शॉर्ट हैंड है, दैट इज़ कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है, कंडीशन बिल्कुल इसी तरह लगती है इसके अंदर, ठीक है। लेट मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल टू इनपुट, अगर छोटा है 25 से तो क्या करो, प्लीज टर्न ऑफ एसी, ठीक है। अदरवाइज क्या लिखो, प्लीज टर्न ऑन एसी। अच्छा, इसको मैं लाइन दो लाइनों में कर देता हूँ, ये मैंने इसको दो लाइन में कर दिया ताकि ये समझ में आए। देखो, टर्नरी ऑपरेटर का ना और इफ एल्स का मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि इफ एल्स के अंदर एक अदद होती है बॉडी, उसमें अभी आपने एक लाइन लिखी हुई है ना, आप 1000 लाइन लिख दें उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अलाउड है उसके अंदर। तो इफ एल्स के अंदर ये होता है। अच्छा, इफ एल्स की जो पूरी स्टेटमेंट है वो क्या रिटर्न करती है, पूरी स्टेटमेंट, ये इतना जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जावास्क्रिप्ट की हर स्टेटमेंट कुछ ना कुछ रिटर्न करती है, अगर कुछ नहीं रिटर्न करती तो अनडिफाइन करती है। तो ये जो इफ एल्स की पूरी स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है क्या रिटर्न करती होगी, अनडिफाइन करती है, सही है, कुछ रिटर्न नहीं करती, यानी अनडिफाइन करती है। अच्छा, तो इसका क्या है कि भाई एक यहाँ पे इफ लगा हुआ है, अगर ये ट्रू होगा तो ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें जितने मर्जी कोड हो, 2 लाइन का हो, 2000 लाइन का हो, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर का क्या केस है कि ये इसकी कंडीशन है, ठीक है, सिंटैक्स है ये इसका, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ये इससे क्वेश्चन मार्क से उसको पता चल जाता है अच्छा ये टर्नरी ऑपरेटर है। उसके बाद है एक, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला, और कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला, ये बीच में एक कॉलन लगा हुआ है, इससे इसको पता चलता है कि पहला वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है, ठीक है। इसको दो लाइन में भी मैं चाहूँ तो ऐसे दो लाइन में इफ की तरह भी लिख सकता हूँ। अब इफ एल्स हमने देख लिया ना, अब टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या रिटर्न करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है, अनडिफाइन नहीं करता। कौन सी वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहली वाली वैल्यू, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी वाली वैल्यू, ठीक है। जब ये इफ, ये जो टर्नरी ऑपरेटर चलेगा, जब ये टर्नरी ऑपरेटर जब ये चलेगा तो ये क्या बोलेगा, स्पेलिंग क्या, टर्नरी ओवन हेडिंग में लिखी हुई है ना ऊपर, ये टर्नरी का नाम है, TERNARY। अच्छा, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर खुद गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे ये स्ट्रिंग में ये वैल्यू आ जाएगी, समझ आया। तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, नंबर एक, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आप स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, कंसोल डॉट लॉग नहीं लगा सकते आप इसमें, मतलब लगा सकते हैं लेकिन असूलन ये उस चीज़ के लिए बना नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वैल्यू रिटर्न होने वाली वैल्यू हमें लगाना होता है, ठीक है, इफ से मुख्तलिफ है ये। इफ के अंदर हम 2000 लाइन लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते, इसमें एक वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, एक वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, और अगर ये फॉल्स होता है तो उसमें भी एक वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, उसकी जगह अनडिफाइन भी लिख सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं दोनों में वैल्यू लिख दूँ, ठीक है। अगर मुझे एल्स के ऊपर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करवानी तो मैं अनडिफाइन कर दूँगा एल्स पर, ठीक है। लेकिन जब ये चलेगा तो ये खुद पूरा गायब हो जाएगा और उसकी जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी। उसकी जगह पर वैल्यू आने का मतलब ये है
कि वो रिजल्ट के अंदर चली जाएगी वो वैल्यू, सही है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होता है कि टर्नरी ऑपरेटर को मैं इन लाइन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि मैं इफ एल्स के साथ नहीं कर सकता। इन लाइन का मतलब क्या है? इन लाइन का मतलब ये है, अब मैं एक तीसरी यहाँ पे चीज़ लिखने लगा हूँ, लेट पैरा इक्वल्स टू, और ये क्या है वो यार, वो लॉरा लिप्सम किसी को पता कैसे आता है ना वो तो? अच्छा चलो मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ पैराग्राफ। ये मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया, नहीं बल्कि इतना लंबा नहीं लिखते ना पैराग्राफ, छोटा कर लेते हैं, बहुत लंबा लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं ये कह देता हूँ कि मिस्टर मलिक सेज सही है। अब ये जो टर्न ऑफ लिखा हुआ है ना, इतना सा इतना जो पार्ट है, इसको मुझे कंडीशनल करना है। यहाँ पे मुझे एक इफ लगाना है कि कुछ केसेस में ये ऑफ लिखा हुआ है, कुछ केसेस में ऑन लिखा हुआ है। तो ये दिस इज कॉल्ड इन लाइन कंडीशन। तो यहाँ पे मैं इफ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं टर्नरी ऑपरेटर का ही इस्तेमाल करूँ, मैं इफ इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो उसको मैं बना देता हूँ वो टेम्पलेट, क्योंकि ES6 में ये टेम्पलेट बैकटिक वाला इस्तेमाल होता है ना, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन जो है वो भी सही है, चलता है वो भी, लेकिन अब ये ES6 वाला लगाते हैं। तो ऑफ की जगह पे मुझे क्या लगाना है, कुछ केसेस में ऑन भी लगाना है, कुछ केसेस में ऑफ। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ कि यार इस यहाँ बीच में क्या लिखी जाएगी, जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी, और यहाँ पे मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा कि भाई यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है वो यहाँ पे आएगा, अगर यूज़र ने जो इनपुट दिया है अगर वो लेस है 25 से तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ, और एल्स ऑन। ठीक है, ठीक है, मैंने थोड़ा जुमले को और शॉर्ट कर दिया। मैंने कहा अब जुमला क्या बनेगा, ये टर्न ऑन या ऑफ, और उसके बाद एसी, ये जितना भी बड़ा पैराग्राफ हो उसके बीच में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब जब ये कोड चलेगा तो ये जो इतना जावास्क्रिप्ट मैंने लिखी है ना, ये क्या हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी। ये टर्नरी ऑपरेटर जो है, जब ये कोड रन होगा तो टर्नरी ऑपरेटर खुद गायब हो जाएगा, और खुद गायब होने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू छोड़ जाएगा ऑन या ऑफ। ठीक है, और अल्टीमेट क्या बन जाएगा, वो एक जुमला आपका बन जाएगा। इसको जो है वो कंसोल पे लॉग भी करवा लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई पैरा, अब पैरा क्या बनता है आखिर में, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी के केस में ये बनेगा ऑन। ठीक है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो 25 नहीं है, 28 है, यहाँ ऊपर हमने लिया हुआ है। ठीक है, इफ को तो हटा देते हैं, इफ हमने पढ़ा हुआ है अभी जस्ट, हम बल्कि छोड़ो रहने देते हैं इफ को भी, इफ हमें कुछ बोल थोड़ी है, रिफ्रेश। ओए अच्छा, ये दूसरी फाइल खुली हुई है, कॉपी पाथ, ये नई फाइल, कंडीशन चेकिंग, सही है। अरे पैरा खाली क्यों है यार, ये क्या बकवास है। अच्छा पैरा क्या गया, मैंने और पैरा नहीं लिखा, सही है। अच्छा पैरा में क्या है, टर्न ऑन एसी। अच्छा जब मैं ऊपर से वैल्यू दूसरी दूंगा, बल्कि मैं ये यूज़र से ले लेता हूँ ना वैल्यू, ये यूज़र से मैं ले ही लेता हूँ हाथ के हाथ। यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल वैसे नहीं किया जाता है, लेकिन मैं फिलहाल अभी टेम्परेचर लेने के लिए प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करता हूँ, प्लीज़ एंटर आउटसाइड टेम्परेचर। तो जब यहाँ पे 25 से कम दिया जाएगा वैल्यू तो ये क्या करेगा, 24 अगर मैं दूंगा तो ये बोलेगा अच्छा ये लास्ट वाला जो है ना वो हमारा वाला है, वो इफ से आया है, जो ऊपर के चार पांच आइटम है ना, ये इफ को मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
अच्छा मैंने 24 इसको दोबारा दिया, ओके किया तो टर्न ऑफ एसी, 24 है अगर तो एसी को बंद कर दो। फिर मैंने रिफ्रेश किया और अब मैंने दिया 25 तो इसने क्या बोला, टर्न ऑन एसी। ठीक है, मैं इसको 26 दूंगा तो भी टर्न ऑन एसी। तो यूज़र से इनपुट लिया मैंने, उस पर एक कंडीशन लगाई और कंडीशनली मैंने एक डिफरेंट जुमला, अगर यूज़र ने छोटा नंबर दिया है तो एक डिफरेंट जुमला, बड़ा नंबर दिया तो एक डिफरेंट जुमला। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है ये वाली, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर मैं तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर वो वाले इस्तेमाल कर सकता हूँ जो इफ एल्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इफ की जो ब्रैकेट है ना, ये इफ की ब्रैकेट है, इसको इस ब्रैकेट में क्या चाहिए होता है, बूलियन चाहिए होता है अल्टीमेटली। ठीक है, लिखते हम कंडीशन है लेकिन वो बूलियन पे इवेल्यूएट होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बुक लिख देता हूँ डायरेक्ट, अगर तो ये क्या बन जाता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू बन जाता है। ठीक है, क्योंकि फॉल्सी वैल्यू नहीं है ये, फॉल्सी 7 वैल्यूज हैं जावास्क्रिप्ट में जो फॉल्सी हैं, उसके अलावा कुछ भी होगा वो ट्रू है। तो यही सारी चीज़ें किस पे भी अप्लाई होती हैं, टर्नरी ऑपरेटर के जो ये गोल ब्रैकेट है इस पे भी वही सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं जो इफ की ब्रैकेट पे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बुक, सही है, या कैट, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। सही है, तो जैसे इफ की ब्रैकेट के अंदर हम कुछ दे रहे होते हैं उसको, उसको बूलियन चाहिए, बूलियन के अलावा कुछ मिलता है तो उसको पार्स करता है वो, तो इसमें भी वही वाला सीन है। ठीक है, तो ये इफ का ही एक शॉर्ट हैंड है, आप इसको इस तरह से समझें, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि इफ एल्स का ही एक शॉर्ट हैंड है जो कि इन लाइन लगाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इन लाइन उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब यार ये बताओ कि असाइनमेंट आपको क्या दिया जाए, असाइनमेंट क्या दिया जाए, कोई अच्छा सा असाइनमेंट सोच रहा हूँ मैं अभी। ग्रेड वाला तो बना चुके हैं क्लास में, नहीं ग्रेड वाला बना तो चुके हैं, जो पहले हमने कंडीशन चेकिंग की क्लास की थी। अच्छा, प्लस माइनस किया था हमने, हाँ तो फिर ग्रेड वाला बना लो। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने बंदे से पूछना है कि उसके कितने में से कितने नंबर आए हैं। जैसे अगर मैट्रिक की हम बात करें तो 850 नंबर होते हैं, 850 में से यूज़र के कितने आए हैं, तो दो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, एक में लिखा होगा टोटल नंबर, एक में लिखा होगा ऑब्टेन नंबर। ठीक है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी हमें पूछना पड़ेगा यूज़र से, तीन चीज़ें पूछेंगे हम यूज़र से, एक फॉर्म होगा, हाँ उसमें टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क और कितने सब्जेक्ट थे टोटल, क्योंकि मैट्रिक में 5 होते हैं तो 5 सब्जेक्ट पर डिवाइड करेंगे तो अलग आएगा उसका परसेंटेज, अगर 10 पे करेंगे तो शायद अलग आएगा, अलग आएगा या नहीं। यार परसेंटेज में सब्जेक्ट का क्या काम, वो तो एवरेज में होता है, नहीं इसमें सब्जेक्ट पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये बता दिया कि मेरे 850 में से मेरे 600 नंबर आए तो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी, इसके लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, हाँ तो दो ही इनपुट होंगे फिर तीसरा नहीं होगा। और वो नीचे मुझे क्या कैलकुलेट करके बता दे कि परसेंटेज कितने बने और उस परसेंटेज में ग्रेड क्या है। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए तो इफ एल्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्या होता है उसका एक फार्मूला होता है कि टोटल नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करो 100 से फिर डिवाइड कर दो ऑब्टेन मार्क्स से, तो एक वैल्यू आ जाती है परसेंटेज के अंदर आपके पास, तो उसमें तो इफ एल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो जबकि आपके पास एक नंबर आ गया है परसेंटेज में, मिसाल के तौर पर 75 एक परसेंटेज आपके पास आ गई है, अब वो परसेंटेज आया कि ए ग्रेड में फॉल करती है, बी ग्रेड में फॉल करती है, या सी ग्रेड में, ठीक है, या ए वन ग्रेड है, तो आपको ए वन ग्रेड से लेके और सी ग्रेड तक उसको क्लासीफाई करना है कि भाई वो कौन सा, और उसको बताना है स्क्रीन पर यूज़र को कि भाई आपका क्या आपका ग्रेड आया है या फेल हुआ है, अगर वो सी से भी नीचे है तो फेल है वो, तो इस पर आपको क्लासीफाई करना है उसको। ठीक है, और इसके लिए इफ एल्स का इस्तेमाल होगा, ऑफ कोर्स होगा। आप कहेंगे कि यार इफ बंदे का जो नंबर है वो क्या है, अगर ग्रेटर देन है 80 से तो ए वन ग्रेड है, फिर आप नीचे एल्स इफ एक और लगाएंगे, फिर आप कहेंगे कि इफ नंबर ग्रेटर है अगर 70 से, ठीक है, और अगर 70 से ग्रेटर है तो फिर ए ग्रेड है, फिर एल्स इफ एक और लगाएंगे आप, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ही लगाओगे, ऐसा ही है। वेल, तो समझ आ गया सब लोगों को ये असाइनमेंट।
ये यार व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज़रा कोई डाल देना कि ये क्या मैंने असाइनमेंट बना के बनाने के लिए दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं बल्कि ये लिख देता हूँ यार क्रिएट एन ऐप दैट टेक्स टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड, दैट्स इट। सही है, यहाँ पे मैंने टाइप भी कर दिया। चलो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे अगली क्लास में, और असाइनमेंट ये प्लीज़ आप बना लीजिएगा सब लोग। थैंक यू।